ऐसा एक बोतल का ढक्कन लेना ना दोस्तों, देख सकते हो मैंने पेन का रिफिल डाल दिया इसके अंदर ग्लूगन की मदद से। ऐसा डीसी मोटर ले लेना है आपको और ऐसा इसके अंदर लगा देना है। मैंने दो मोटर के अंदर लगा दिया है, देख सकते हो बहुत अच्छे से इसको फिटिंग कर दिया है और इसमें भी फिटिंग कर दिया, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और ऐसा 9 वोल्ट की बैटरी ले लेना है और यहाँ पर ऐसा इसका स्विच बटन ले लेना है इसके अंदर प्लग लगाने के लिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्लूगन डालूँगा, जिसे ग्लूगन लगा दूँगा इसे उसका ग्लू इसके पीछे से, और मोटर यहाँ पर डीसी मोटर इसके ऊपर सेट कर देना है बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से सेट हो जाता है। और यहाँ पर ग्लू थोड़ा डाल देना है जिससे मोटर यहाँ से वहाँ हिले ना और मजबूती से अच्छे से पकड़ लेगा मोटर को। तो डीसी मोटर यहाँ पर हमारा सेट हो गया और ऐसा दूसरा मोटर भी इसके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पहले मैं इसके ऊपर प्लग लगा लेते हैं जिससे मोटर को हम इसके ऊपर लगा सकेंगे, बहुत अच्छे से लगा सकेंगे। और यहाँ पर इसको लगा लिया मैं, यहाँ पर ग्लू डाल देता हूँ ग्लू गन का, तो यहाँ पर डाल दिया है। अब इस मोटर को अरे इस साइड सेट करना है, और यार गलत लग गया, इसको घुमाना पड़ेगा। इसको घुमा लेता हूँ, यहाँ पर मैं घुमा लिया हूँ, उसको दबा के सेट कर लेना है। यहाँ पर भी इसको इसके ऊपर भी ग्लू डाल देना है ग्लू गन का, जिससे गैप लगा रहा है जिसे हिले ना, तो इसके नीचे भी डाल देता हूँ जिसे रखने पर हिले ना डुले ना ऊपर नीचे ना हो। तो इस साइड भी मैं लगा लिया हूँ, इसको रख लिया हूँ, ये हमारा सेट हो गया है इस साइड का। और ये बैटरी का वायर और ये मोटर का रेड वाला वायर, और रेड वाला वायर इसका और उसका और इसका, दोनों को एक में सेट करके ज्वाइन कर लेना है। मैंने ज्वाइन कर लिया। 9 वोल्ट की बैटरी में चार्जिंग नहीं था इसलिए मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाया, छोटा मिनी बैटरी इसके कारण। और ये हमारा मोटर चलने लग गया दोस्तों, देख सकते हो ढक्कन ग्लो कर रहा है। ओ वाओ, ओ वाओ, ओ भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर।